हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी लाइव। माय नेम इज शिल्पी। आज आएंगे सारे बच्चे, फटाफट आ जाएंगे। आज देखते हैं भाई क्या माहौल चल रहा है आपके एग्जाम का, है ना। कैसे बच्चे वहां पे जा रहे हैं और कैसे अपने क्वेश्चंस को कर रहे हैं, क्या पूरा ओवल और रिव्यू जो भी है आपके एग्जाम का पूरा, बिल्कुल जो एक कह सकते हैं एक ऑनेस्टी के साथ, एक ईमानदारी के साथ आज देके जाऊंगी। लेकिन सारे बच्चे सेशन को एक बार शेयर मार देंगे जोरदार तरीके से, है ना। फटाफट बच्चे जुड़ जाएंगे, उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। जल्दी से जल्दी बच्चे शेयर करेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। पूरा का पूरा ओवर और रिव्यू है, बहुत शॉर्ट में देके जाऊंगी, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाली मैं, है ना। लेकिन एक बार बच्चे फटाफट जो है वीडियो को शेयर करेंगे, उसके बाद ही आपकी क्लास स्टार्ट की जाएगी। हाँ जी, अमन है, अमन खान, ओके ठीक है। नमस्ते भाई, नमस्ते। सौरभ है, सौरभ गुप्ता, नमस्ते भाई। सारे बच्चे एक बार फिर से सेशन को शेयर मारेंगे जोरदार तरीके से, उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी, है ना। चलिए, तो भाई जो आपका एग्जाम है यूपीएसआई का, जो आपका एग्जाम, अगर मैं इसकी बात करना चाहूं, ठीक है, अगर मैं आपके यूपीएसआई एग्जाम की बात करना चाहूं, तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे थे ना, जो बच्चे ऐसा सोच रहे थे कि हमारा एग्जाम बाद में पढ़ना चाहिए, हमारा एग्जाम बीच में पढ़ना चाहिए, हमारा एग्जाम स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना चाहिए, शुरुआत में हमारा एग्जाम नहीं होना चाहिए, तो वो बच्चे अब टेंशन में आ गए हैं। जो बच्चे फर्स्ट फेज में एग्जाम दे के आ रहे हैं, यानी फर्स्ट फेज यानी जो आपका 17-18 तक चलेगा, ठीक है, 20 से आपका न्यू फेज स्टार्ट हो जाएगा, तो जो बच्चे फर्स्ट फेज में एग्जाम दे के आ रहे हैं उनका जो अच्छा सा रिव्यू आ रहा है उसको देख के जो थर्ड या आपके सेकेंड फेज वाले बच्चे हैं वो टेंशन में आ गए हैं कि भाई अगर अपना भी एग्जाम इसी स्टार्टिंग में ही पड़ जाता, जो बढ़िया सा पैटर्न आ रहा है, तो हमारा भी मामला कहीं ना कहीं डन रहता, है ना। तो वो थोड़ा सा टेंशन में आ गए हैं बच्चे। यूपीएसआई एग्जाम का जो आपका क्या है, क्या कह रहे हैं बच्चे, जो बच्चे यहाँ से जो बैच ले रखे थे, जो एग्जाम दे के आए हैं, क्या उनका रिव्यू रहा, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन एक बार बच्चे, सारे बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, है ना, लाइक करते रहेंगे, शेयर करेंगे भाई, फटाफट शेयर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक चीज मैथ्स के बारे में, रीजनिंग के बारे में, हिंदी के बारे में, जीएस का क्या है, हर एक चीज आपको मैं बता के जाऊंगी। लेकिन सारे बच्चे सेशन को शेयर करते रहेंगे। जगेश चौहान है, ओके ठीक है, नमस्ते भाई, नमस्ते, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर बच्चे मैं मैथ्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, तो मैथ्स में सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या रहा है बच्चे, अगर मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या रहा बच्चे, मैथ आपकी मिक्स आ रही है। हाँ जी, मैथ आपकी मिक्स आ रही है, मैथ में दो जो है सब्जेक्ट मिला के आ रहे हैं, कहोगे कौन कौन से, तो मैं कहूंगी मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है बच्चे, मैथ प्लस रीजनिंग आपकी मैथ मिला के आ रही है, तो ये उन बच्चों के लिए खुशी की बात हो सकती है जिसकी मैथ थोड़ी सी वीक है, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें मैथ के साथ साथ किसके क्वेश्चन ऐड कर दिए जा रहे हैं, मैथ वाले पोर्शन में ही रीजनिंग के क्वेश्चन ऐड कर दिए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे तो 35, ठीक है, ऐसे लिख लो 32-35 क्वेश्चन, ठीक है, 32-35 क्वेश्चन अगर आपके मैथ के पूछे जा रहे हैं बच्चे, तो आप कह सकते हैं 15-10 क्वेश्चन आपके किसके पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग के, मैथ में ही, ठीक है, मैथ में ही आपका कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, रीजनिंग के चैप्टर से क्वेश्चंस बन रहे हैं। कितने क्वेश्चन, 15, किसी किसी जो है सेट में देखने को मिला है, कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं वहां पे, 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं मैथ वाले पोर्शन में किसके, रीजनिंग के, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बताना चाहूं बच्चे कि जो आपकी मैथ में रीजनिंग आ रही है, जो आपकी मैथ में रीजनिंग आ रही है उसमें क्या क्या आ रहा है, ठीक है, जो मैथ में रीजनिंग आ रही है किस किस चैप्टर से आ रही है, तो फर्स्ट चैप्टर आपका बच्चे कथन निष्कर्ष, ठीक है, सिलोगिज्म जिसे कहते हैं, कथन निष्कर्ष, ठीक है, सिलोगिज्म से कितने क्वेश्चन यहां से बन रहे कथन निष्कर्ष वाले से, तो बच्चे किसी किसी सेट में 3 से 4 क्वेश्चन, किसी में जो है 4 से 5 क्वेश्चन देखने को, एक चैप्टर से किसमें, मैथ वाले में, ठीक है, किसी किसी में आपको 3 से 4 मिलेंगे या किसी किसी में आपको 4 से 5 मिलेंगे, किसमें, मैथ में आपका पूछा जा रहा है सिलोगिज्म, ठीक है, कौन सा, जो रीजनिंग पूछी जा रही है। दूसरे चैप्टर की अगर मैं बच्चे बात करूं, दूसरा चैप्टर कौन सा पूछा जा रहा है, दूसरा चैप्टर यहाँ से पूछा जा रहा है कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर से क्वेश्चन बन रहे हैं, कैलेंडर से, ठीक है, कैलेंडर से क्वेश्चन कहाँ बन रहे हैं, कैलेंडर से क्वेश्चन आपके मैथ में बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और बच्चे कैलेंडर की बात करूं तो कैलेंडर के बारे में आप सब जानते हैं, पिछली बार भी जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था
उसमें भी मैथ में क्या पूछा गया था, कैलेंडर से क्वेश्चन आए थे, सब जानते हो ना। अच्छा, इस बार जो कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहा बच्चे, इस बार जो कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहा मैथ से बहुत इजी आ रहा है, ठीक है, कहना चाहूंगी बहुत ही इजी आ रहा है। कितना इजी आ रहा बच्चे, एक क्वेश्चन तो ऐसा आया था, एक क्वेश्चन तो ऐसा आया था कि मान लो आज बुधवार है, ठीक है, मान लो आज बुधवार है, आज के 59 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, क्या करना था भाई। 59 था, 59 था, 59 में किससे भाग देते, 7 से भाग देते, जो आपका शेष आ जाता बुधवार से आगे बढ़ जाते, वही आपका दिन निकल के आ जाता। ऐसे क्वेश्चन भी आपके इस बार यूपीएसआई में आए हुए, बताओ भाई इससे इजी क्या पूछेगा आपसे एग्जामिनर, बताओ, एबीसीडी पूछेगा तुमसे, ठीक है। तो कैलेंडर आप सब जानते हैं कि पिछली बार भी आया था तो इस बार भी आ गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे कंफ्यूज है, बच्चे एग्जाम को देख के उसके उस पेपर को बच्चे बता रहे हैं, जो रिव्यू दे रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि मैम हम कंफ्यूज है कि हम मैथ का पोर्शन कर रहे हैं या रीजनिंग का पोर्शन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैथ में ही रीजनिंग आई हुई है, फर्स्ट चैप्टर आया सिलोगिज्म, दूसरा चैप्टर आया हुआ कैलेंडर, तीसरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तीसरा चैप्टर कौन सा पूछा जा रहा बच्चे, सीरीज, सीरीज से भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके मैथ में। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं हर सेट में, किसी सेट में 2 या किसी सेट में 3 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, ठीक है, किसी सेट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी सेट में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मैं अगर बात करूं जो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या ये बहुत टफ पूछे जा रहे हैं, नहीं ना, बिल्कुल टफ नहीं पूछे जा रहे, हाँ 2 क्वेश्चन जो है वो इजी से आप कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं कि यस मैम एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है, कब, जब वो रीजनिंग की बात की जा रही है कि जब आपके मैथ में सीरीज जो पूछी जा रही है, 2 क्वेश्चन तो आप आराम से कर पा रहे होंगे, हाँ एक थोड़ा ठीक ठाक है, उसमें कुछ टाइम लग सकता है, ओके। हाँ बिल्कुल, रिया सिंह पूछ रहे हैं मैथ में, बिल्कुल बच्चे मैथ में इंग्लिश आ रही है, मैथ में सिलोगिज्म से आ रहा है, कैलेंडर से आ रहा है, सीरीज से आ रहा है। अच्छा बच्चा, जो डी कोडिंग डिकोडिंग वाला है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग वाला जो चैप्टर है आपका, वो भी कहाँ पूछा जा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर भी आपके मैथ में ही पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब है आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है, आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जो आपकी मैथ है इसमें आप देख पा रहे हैं कि 30 जो आपके 40 नंबर की मैथ्स आती है, इसमें 30-35 क्वेश्चन अगर मैथ के बन रहे हैं तो 15-10 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन किसके बन रहे हैं, 10-15 क्वेश्चन किसके बन रहे हैं आपके रीजनिंग से बन रहे हैं, ठीक है, किस किस चैप्टर से बन रहे हैं वो बातें हमने कर ली है। तो बच्चे वहां पे क्या हुआ, जब बच्चों ने पहली बार देखा तो वो कंफ्यूज हो गए कि भाई मैथ का पेपर दे रहे हैं या रीजनिंग का, जो कौन सा पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, वहां टाइम खराब नहीं करना है, मैथ में हो कहीं भी रीजनिंग पूछी गई है आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप बस ध्यान देंगे कि हमें अगर क्वेश्चन आता है सॉल्व करना है, चाहे वो पोर्शन आपको मैथ में उसने पूछ लिया है या वो पोर्शन आपसे रीजनिंग में पूछ रहा है, आपको उस बातों से ध्यान नहीं देना। अच्छा बच्चे, जो ये आपकी क्या है रीजनिंग है, मैंने बता दिया किस किस चैप्टर से पूछी जा रही है, आ गई बात समझ में। अब अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में बच्चे जो एडवांस मैथ है ना के बराबर पूछी जा रही है, जो एडवांस मैथ है, ठीक है, मैथ जो एडवांस है, ये कौन से जो थर्ड आपका 12 नवंबर और 13 नवंबर को एग्जाम हुआ है उस सेट की बात कर रही हूँ मैं, उसका रिव्यू जो बच्चे बता रहे हैं आके, जो हमारे यहाँ जो कोचिंग लेते थे, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से हमने किया है काम, तो उसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो जो मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है, अगर एडवांस मैथ की बात करूं तो एडवांस मैथ ना के बराबर पूछी जा रही है, प्रोबेबिलिटी से 1-2 क्वेश्चन है, ठीक है, बन रहे हैं वो, आप जो मैथ वाले सर है हमारे यहाँ पे वो सॉल्व करा रहे हैं, मैं देख रही हूँ लगे हुए हैं, है ना, रोज यूट्यूब पर आ रहे हैं और सॉल्व करवा रहे हैं। अच्छा बच्चा, एक नई चीज मैथ में ऐड की गई है, एक नई चीज आपकी APGP, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी, क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी, वो आपकी मैथ में ऐड की गई है। एक हर सेट में 2 या 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, या तो एपी से पूछ रहा है या जीपी से, हर जो है सेट में 2 क्वेश्चन आपके कहां से देखने को आप पा रहे हैं, तो आप कहां से देखने को पा रहे हैं, आप APGP से देखने को पा रहे हैं, तो ये चीज नई ऐड की गई है। तो ये आपके किसके बारे में थी, मैथ के बारे में थी। खुशी की बात क्या है कि जिन बच्चों का मैथ थोड़ा सा वीक है और उसमें 10-15 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के मिल जा रहे, फिर तो बल्ले बल्ले है ही, है ना। हेलो हेलो भाई, हेलो कौशल अली, हेलो हेलो हेलो, यहां तक डन है मामला, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो ये बात थी आपकी किसकी, मैथ की बात थी, कि आपको मैथ में क्या मिक्स मैथ मिस आ रही है, उसमें मैथ के साथ साथ आपसे
क्या पूछ रहा है वो आपसे रीजनिंग भी पूछ रहा है। यहां तक बात क्लियर है ना। अब अगर मैं बच्चे इसको मिटा दूं, अब अगर मैं इसको मिटा दूं, अब मैं किसकी बात करूं, अगर मैं अब रीजनिंग पे आऊं, ठीक है, अगर अब मैं किस पे आऊं, अगर अब मैं रीजनिंग पे आऊं तो रीजनिंग भी बच्चे आपकी मिक्स आ रही है। अगर मैं रीजनिंग पे आ जाऊं तो रीजनिंग भी आपकी मिक्स आ रही है। इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें रीजनिंग तो पूछी जा रही है, साथ साथ इसमें जीएस के भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। थोड़ा पानी पी लूं मैं। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें क्या है, रीजनिंग के साथ साथ कहां के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, जीएस के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। कितने ऐड किए गए हैं मैम? तो भाई बच्चे 4 से 5 क्वेश्चन आपके जीएस के पूछ रहा है, तो 36 से 37 आपसे कहां से पूछ रहा है, रीजनिंग से पूछ रहा है, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन कहां बन रहे हैं आपके, जीएस से बन रहे हैं, किस पार्ट में, रीजनिंग वाले पोर्शन में ही, रीजनिंग वाले पोर्शन में ही वो 4 से 5 क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, जीएस से पूछ रहा है, और रीजनिंग से 36 to 37 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से बन रहा है। क्या पूछ रहा है जीएस में, कहीं से पॉलिटी से उठा ले रहा है, कहीं से कुछ क्वेश्चन उठा के आपके रीजनिंग में ये जीएस के भी ऐड कर दे रहा है, तो वहां पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। अच्छा बच्चे, अब बच्चे सोच रहे होंगे कि जो ये 36 to 37 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आ रहे हैं, इनका लेवल क्या है? तो बच्चे इनका लेवल मैं कहना चाहूंगी इज इट टू मॉडरेट, ठीक है। इनका लेवल क्या है, इज इट टू मॉडरेट है, ठीक है, इज इट टू मॉडरेट। कहने का मतलब क्या है कि जिन बच्चों ने बैच लिया था केडी लाइफ से हमारे, उनका रिव्यू आया है, वो कह रहे हैं कि जिस लेवल का वहां उनको यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाई गई थी, ठीक है, जिस लेवल की उनको यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाई गई थी, जब उनके एग्जाम में जो रीजनिंग आई थी उसका लेवल बहुत इजी था, ठीक है। वो कह रहे थे हम हर क्वेश्चन बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताना, यहाँ पे आपसे कुछ भी झूठ बोल के नहीं जाना है, ये बच्चों के रिव्यू है। वो कह रहे थे कि वहां की जो रीजनिंग आई थी बहुत ज्यादा इजी थी। क्यों इजी थी बच्चे, क्यों इजी थी, क्योंकि इनपुट आउटपुट वाले चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं, इनपुट आउटपुट वाले चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं, पजल से एक भी क्वेश्चन नहीं, सेटिंग अरेंजमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं। और आपको पता है कि आपका जो रीजनिंग है उसको टफ कौन बनाता है, यही 3 चैप्टर आपके रीजनिंग को टफ बनाते हैं। अब भाई जब ये 3 चैप्टर वो पूछ नहीं रहा है तो दिक्कत कहां से आ रही है। हाँ ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। क्या चीज, अपना माइंड इस हिसाब से सेट करके जाना है कि अगर रीजनिंग में आपसे क्या पूछ ले, जीएस पूछ ले, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रीजनिंग ठीक ठाक लेवल की आ रही है, ठीक है, मैंने लिखा इजी टू मॉडरेट आ रही है। अगर बच्चे ने ढंग से पढ़ाई कर रखी उसके सामने कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात समझ में, तो ये आपको मैंने थोड़ा सा बताया किसके बारे में, रीजनिंग के बारे में। अरे भाई अभी एसएससी जीडी का बता देंगे, ठीक है, क्या होगा, अभी पहले यूपीएसआई का देख लो, ठीक है, अभी पहले यूपीएसआई का देख लो, एसएससी जीटी का भी बता देंगे। चले अब, तो अब बच्चे ऐसा भी नहीं है कि पेपर इतना इजी आया था। हाँ कुछ क्वेश्चन इजी थे, ठीक है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे क्वेश्चन इजी आए थे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बिल्कुल पेपर लड्डू आया था तुम जाके खा लो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अच्छा बच्चे ये हो गई रीजनिंग की बात, ये हो गई रीजनिंग की बात। अब अगर मैं थोड़ी सी बात आपसे किसकी करनी चाहूँ, थोड़ी सी बात अगर मैं हिंदी की करूँ आपसे, ठीक है, थोड़ी सी बात मैं किसकी कर लूं, हिंदी की करूं तो हिंदी बच्चे जो आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसमें 35 क्वेश्चन, ठीक है, 35 क्वेश्चन हमने खुद जो देखा है, ठीक है, क्वेश्चन हमने जो देखे हैं उससे हमें पता चला है कि जो 35 क्वेश्चन है वो उन्हीं में से आया, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आए, जो 35 क्वेश्चन आए हैं वो बिल्कुल क्या है, नॉर्मल से आए हैं, ठीक है, जो नोट्स में था, ठीक है, अगर बच्चे ने पढ़ा है तो बिल्कुल नोट्स के अंदर से आए। कितने क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, लेकिन बच्चा 5 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, 5 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि जो बिल्कुल किसी ने कभी सुना ही नहीं है, जो बच्चों ने कभी सुना ही नहीं है। कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, मतलब वो अजीब सा, बच्चा कह रहे कुछ अजीब सा ही पूछ लिया है, वो इतने टफ आ रहे हैं 5 क्वेश्चन कि बच्चों को वो क्वेश्चन तक याद नहीं कि वो आके हमसे बता सके, उनको वो क्वेश्चन भी नहीं याद कि ये 5 क्वेश्चन आखिर एग्जामिनर ने उससे पूछ क्या लिया, उन्होंने कभी सुना ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात है किसकी, ये बात है आपके हिंदी वाले पोर्शन की। अब बात करते हैं बच्चा जीएस की, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहती थी,
अब मैं बात करूंगी किसकी, जीएस की, जिसके लिए मैं आई थी। देखो अगर मैं जीएस की बात करूं, ठीक है, सभी बच्चे जितने बच्चे अभी लाइव एक बार शेयर करेंगे और लाइक करते रहेंगे, ठीक है, लाइक करो। अगर मैं जीएस की बात करूं, जीएस कैसा पूछा गया था, तो बच्चा कोई कुछ भी कहे, ठीक है, सबसे जो जो टफ पार्ट आया एग्जाम का वो जीएसई आया, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ मॉडरेट टू, क्या लिख सकती हूँ, टफ, ठीक है, मॉडरेट टू टफ, ठीक है, मॉडरेट टू टफ। क्यों बच्चा, मॉडरेट टू हाई लिख लो, मॉडरेट टू टफ कुछ भी लिख लो। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि जो जीएस वाला पार्ट आया था वो ठीक ठाक ही आया था, है ना, जो जीएस वाला, क्योंकि जो अच्छे लेवल के बच्चे थे, ठीक है, जो अच्छा स्कोर लाते थे वो भी ज्यादा क्वेश्चंस को नहीं तोड़ पाए, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे जीएस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपसे जीएस की बात करूं, तो आपको पता है जो पॉलिटी है इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते थे, 16, सब बच्चे जानते हैं। इस बार 16 नहीं पूछे जा रहे हैं, इस बार इससे पॉलिटी से 16 नहीं पूछे जा रहे हैं। आपको पता है अगर पॉलिटी और बेसिक लॉ को मैं मिला के कहूं तो 8 इससे पूछे जाते थे, टोटल 24 पूछे जाते थे हर जो है पहले, है ना, 24 पूछे जाते हैं। लेकिन इस बार चक्कर क्या है बच्चे, इस बार 24 नहीं पूछे जा रहे, किसी सेट में आपको जो है कितने मिलेंगे, 15 से 20 क्वेश्चंस आपके इन दोनों को मिला के पूछे जा रहे हैं। पहले कितने बनने कितने चाहिए थे, 24, लेकिन कितने क्वेश्चन वो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, बस 15 से 20 क्वेश्चन ही एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कितने क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन। अच्छा अगर मैं बात करूं पॉलिटी किस हिसाब से पूछ रहा है, तो बच्चे पॉलिटी भी बहुत इजी आ रही है, पॉलिटी भी बहुत इजी आ रही है, कई तीन तीन चार चार तो आर्टिकल्स पूछ रखे हैं उसने, ठीक है, आर्टिकल्स के बारे में तीन तीन चार चार आर्टिकल्स ही पूछ लिया है, तो भाई कह सकते हैं पॉलिटी भी जो है बढ़िया लेवल के ठीक है, ठीक है, ज्यादा कुछ वैसी नहीं है, इजी ही है ना। अच्छा लेकिन अगर मैं अदर, ठीक है, अदर पार्ट की बात करूं, जीएस के अदर पार्ट की, अच्छा करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं, करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं बच्चा, करंट अफेयर से एक क्वेश्चन, ठीक है, एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसमें, करंट अफेयर की। अच्छा और बात करूं साइंस की, ये मैं अभी डिस्कस करूंगी, जो जो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं मैं अभी अब बताने के बाद, पूरा रिव्यू देने के बाद आपसे ये क्वेश्चन साइंस के डिस्कस करने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो जो साइंस बच्चा, साइंस हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन है, हर सेट में जो है अगर साइंस की बात करूं मैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन हर सेट में आपके साइंस से बन रहे हैं। टफ क्या कर दिया है इसने जीएस में इसने टफ क्या किया है, आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला पोर्शन वो टफ है, ठीक है, मैं बिल्कुल जो है क्लियर बता रही हूँ, वो टफ दिया हुआ है। बच्चे ये कह रहे हैं कि जिस लेवल का उन्होंने पढ़ा था, ठीक है, उससे हाई आया था, बिल्कुल जो क्लियर बताऊंगी, कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं है। बच्चे ये रिव्यू दे रहे हैं कि मैम जो हमने जीएस में हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ी थी उससे हाई लेवल की आई थी, बिल्कुल जो है। तो ये बच्चा क्या है आपका ओवरऑल रिव्यू है, किसके बारे में, जो आपका यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है, ठीक है। क्या बताया मैंने, शॉर्ट में फिर से बताती हूँ, मैथ में मिक्स आ रही है, मैथ में रीजनिंग और मैथ दोनों ही पूछा जा रहा है, ठीक है, किस किस चैप्टर से पूछ रहे हैं मैंने अभी अभी डिस्कस कर लिया। रीजनिंग भी मिक्स आ रही है, रीजनिंग में रीजनिंग के साथ साथ आपकी जीएस भी पूछी जा रही है। हिंदी में जो है 35 क्वेश्चन, तो ठीक है 5 क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि तुम्हें हवा नहीं आएगी। उसके बाद में क्या है, जीएस वाले पोर्शन में पॉलिटी ठीक ठाक है। साइंस का लेवल अगर मैं बताऊं बच्चे, तो तुमने अगर यहाँ पे आके, ठीक है, जो बच्चे पढ़ते थे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन जो एक कमेंटबाजी करते थे ना, मेरा नाम ले लो, आप कहाँ से हो, ठीक है, मैम आप कितने बजे से पढ़ाती, ये सब जो फालतू की कमेंटबाजी करते थे उनको दिक्कत आ रही है, लेकिन जिन्होंने नोट्स बनाया था, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई की थी, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आई है। हाँ ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, ओके हो गई बात समझ में आ गई। तो ये चीज आपको क्या करना है, ये चीज आपको समझ के रखना है। चलो भाई अब थोड़ा सा अगर मैं बात किसकी करूं, साइंस की बात करती हूँ, ठीक है, अब चल के मैं किसकी बात करती हूँ, साइंस की बात करती हूँ। तो उसने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था, वॉशिंग सोडा का, ठीक है, वॉशिंग सोडा का उसने क्या पूछा था आपसे, फॉर्मूला पूछा था। बताओ बताया था वॉशिंग सोडा या नहीं, है कसम है तुम्हें, पहले बताओ बताया था वॉशिंग सोडा या नहीं। हर बार मैं कहती थी कि बच्चे हमेशा आप क्या करके जाएंगे, मेटल और नॉन मेटल चैप्टर छोड़ के नहीं जाएंगे। 500 बार जो है आपको क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया था,
मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। और क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं, वहीं से बन रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर से बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं वॉशिंग सोडा का, चलो सब बताओ भाई, सब बताओ एक बार, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताएंगे सारे बच्चे, ये आपके यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, सब बच्चे मुझे बताएंगे वॉशिंग सोडा के बारे में, जल्दी करेंगे। हाँ हाँ, साइंस की क्वेश्चन करा रहे हैं आपसे, कुमार बताइए ये क्वेश्चन आपके जो है 12 नवंबर को किसी सेट में आया था, क्या आया था, वॉशिंग सोडा का आपसे वहां पे फॉर्मूला पूछा था, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा की अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या आया था, Na2CO3.10H2O, बताया था 10 बार चिल्ला चिल्ला के तुम्हें ये चीज मैंने बताई थी। क्या बताया था मैंने, मैंने कहा था ये आपका इसका फॉर्मूला है, मैंने क्या कहा था, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, मैंने कहा था जब आप क्या करेंगे, जब आप NaOH ठीक है प्लस कार्बोनेट आयन HCO3 को मिलाएंगे तब आपका बनेगा Na2CO3 प्लस 2H2O, बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे 2 लगा देंगे ठीक है। तो मैंने कहा था ये क्या बन के आ गया बच्चे, मैंने बताया था कि ये बन के आ गया है सोडियम कार्बोनेट ठीक है, मैंने कहा था ये बन के आ गया सोडियम कार्बोनेट, बताई थी ये बात। और मैंने कहा था इसको आप और क्या कह सकते हैं, इसको आप एच कह सकते हैं, राख कह सकते हैं, बताई थी ये बात। और मैंने क्या बताया था बच्चे, अगर तुम्हारे जो है दिमाग में तुमने बादाम बादाम खाते हो तुम्हें कुछ याद होता होगा, तो मैंने क्या बताया था बच्चे, मैंने बताया था आपको क्या बताया था कि हाँ जो ये सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे बन के आया है, इस सोडियम कार्बोनेट को क्या करो, उठा लो इस तरीके से और इसमें 10 क्या मिला दो, पानी के मॉलिक्यूल्स मिला दो और ये तुम्हारा बन के आ गया, क्या बन के आ गया, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, और मैंने कहा था अगर इसका आपसे और अदर नेम पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, इसका अगर अदर नेम पूछ ले तो आप बताएंगे वॉशिंग सोडा, और यही आपसे उसने पूछ लिया ठीक है, जो तुम मेरी बातें नहीं सुनते बस कमेंट पे ध्यान देते हो, उसने यही पूछ लिया है ठीक है, यही पूछ लिया कि वॉशिंग सोडा का आप मुझे फॉर्मूला बताइए ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका किससे बना था, केमिस्ट्री से बना था, किस चैप्टर से बना था, मेटल और नॉन मेटल से बना था। अगर बच्चे को इसका यूज पूछ लेता तो इसका यूज क्या आप बताते, यूज भी मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था इसका यूज आप कहाँ करते हैं, जब आपको हार्ड वाटर को ठीक है, हार्ड वाटर को किसमें कन्वर्ट करना होता है, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना होता है, तब आप क्या करते हैं, जब आपको हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में यानी कठोर जल को मृद जल में बदलना होता है, तब वहां आप किसका यूज करते हैं, तब वहां आप वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, बताओ भाई ये सारी बातें हो गई थी या नहीं हुई थी। हाँ बिल्कुल निमत खान सही बता रहे हैं, सब बच्चे बताएंगे, हाँ सुनते हो ध्यान से तो फिर करके आना ठीक है, जिन बच्चों ने सुना था वो तो बिल्कुल खुश है ठीक है कि यस मैम नोट से बाहर कुछ नहीं आया है, सब हम करके ही आए हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन फिजिक्स से क्या बना था, फिजिक्स से बना था, देखो ये क्वेश्चन उसने पूछा था कि एनर्जी यानी ऊर्जा का समार्थी यूनिट कौन सा है, इकाई कौन सा है, बताओ भाई, कह रहा है कि जो यूनिट आपके एनर्जी के पास है और किसके पास होगी, वहां पे एक ऑप्शन था वर्क, बताओ बताया नहीं बताया था आपको कि जितनी आपकी यूनिट, जितनी भी यूनिट आपकी एनर्जी की रहेगी, एक एक यूनिट किसकी रहेगी, वर्क की रहेगी, ये चीज मैंने बताई थी या नहीं बताई थी, बताया था कि अगर जूल आपके वर्क की यूनिट है तो वो एनर्जी की यूनिट है, अगर वो एनर्जी की यूनिट है तो वो वर्क की यूनिट है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वहां पे एक ऑप्शन क्या था, वर्क था, आपको वहां वर्क लगा के आना था, कार्य लगा के आना था। हाँ ठीक है, हेलो मनीषा कैसे हो भाई, हाँ जूल ठीक है, तो उसने पूछा था भाई अगर जूल इसकी यूनिट है तो इसकी यूनिट, उसने कहा था कि एनर्जी जैसा और किसके, जैसी यूनिट एनर्जी के पास है
वैसी यूनिट और किसके पास होगी? तो एक ऑप्शन वहां पे वर्ग था, तुम जैसा कोई होता अगर यहाँ से पढ़ के गया होता तो खेल जाता है ना। एक सेकंड, एक नजर में आंसर करके आता, बोलो करके आता या नहीं करके आता। अच्छा अगर करके आते तो एक बार लाइक करो फिर से सारे बच्चे फटाफट, और शेयर करेंगे एक बार फिर से सेशन को, है ना, एक बार फिर से शेयर करो। चलो भाई अब ये क्वेश्चन बायो से है, ठीक है, बायो तुम्हें ज्यादा आती है। चलो बताओ क्या क्वेश्चन पूछा था उसने, उसने पूछा था विटामिन डी टू, पूरा लिखती हूँ, विटामिन या विटामिन डी टू की कमी से, ठीक है, डी टू नहीं, इससे पूछा था विटामिन डी टू का केमिकल नेम उसने पूछा था, केमिकल नेम पूछा था, ठीक है, विटामिन डी टू का रासायनिक नाम पूछा था, क्या पूछा था, विटामिन डी टू का रासायनिक रासायनिक नाम पूछा था, बताएगा कोई बच्चा मुझे, मैं सबका आंसर देखना चाहूंगी। आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन था कि विटामिन डी टू का केमिकल नेम क्या है, बताओ भाई। हाँ बिल्कुल खेल जाते, पता है मुझे, पता तुम शेर हो। हाँ आंसर करेंगे ललित कुमार है, ठीक है, कौन है, सौरभ गुप्ता है। चलो भाई आंसर करो, ठीक है, दिखाओ कैसे खेलते तुम, थोड़ा सा इधर भी दिखा दो, है ना, कि सारा एग्जाम में ही दिखाओगे। चलो दिखाओ एक बार, आंसर करेंगे बच्चे एक बार फटाफट। बिल्कुल सौरभ गुप्ता ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है कैल्सी फेरोल, ठीक है, कैल्सी फेरोल क्या है आपके विच इर्गो आएगा, ठीक है, इर्गो कैल्सी फेरोल आएगा। देखो कैल्सी फेरोल किसका है अभी वो भी बताऊंगी, लेकिन वहां पे बच्चा डी नहीं पूछा था, डी टू पूछा था, क्या पूछा था, डी टू पूछा था, बच्चे ने आंसर दिया है कैल्सी फेरोल, लेकिन कैल्सी फेरोल और क्या है आपका इर्गो कैल्सी फेरोल में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। देखो भाई अब मैं बताती हूँ आपको, आपको विटामिन के बारे में थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं विटामिन डी की, वहां पे डी टू पूछा था, डी नहीं, याद रखना विटामिन डी टू के बारे में बात की थी उसने, जो आपका क्या होता है विटामिन या विटामिन विटामिन डी जो होता है, इसका अगर केमिकल नेम पूछता तब जैसे बच्चे ने बताया, क्या बताया, कैल्सी कैल्सी फेरोल, ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या था, कैल्सी फेरोल, कैल्सी फेरोल यानी देखो जो ये सी एल है, कैल्सी फेरोल यानी सी एल का मतलब का, क्या होता है, कैल्सियम, क्या होता है, कैल्सियम, ठीक है, और कैल्सियम कहाँ होता है बच्चा सब जानते हैं, कैल्सियम की जरूरत किसको है, बोन्स को है, हड्डियों को है, ठीक है, किसको है, आपकी बोन्स को है, हड्डियों को है, तो जो आपका क्या है विटामिन डी हो कहीं ना कहीं आपको आपकी हड्डियों को क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। कहाँ सोर्सेज अगर मैं लिखूं, कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको विटामिन डी, अगर मैं सोर्सेज लिखना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं सोर्सेज लिखना चाहूँ आपसे तो कहाँ कहाँ से विटामिन डी पाओगे, मिल्क, ठीक है, आपको पता है आपकी मम्मी आपको क्या कहती है कि दूध पी ले तेरी जो है हड्डियां क्या हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी, मिल्क से मिलता है, और कहाँ से मिलता है विटामिन डी बताओ भाई, और कहाँ से मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे, फिश ऑयल से भी क्या मिलेगा आपको विटामिन डी मिलता है, जो जो लोग नॉन वेज खाते हैं, पहले बता दूं जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनमें विटामिन की कमी बहुत कम पाई जाती है ना, क्योंकि क्या करते हैं वो सारे विटामिन को क्या करते हैं, अच्छा ये जो सनलाइट आंसर दे रहे हैं अभी इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो सनलाइट आंसर दे रहे हैं उस पे भी मैं डिस्कस करूंगी, और कहां से तुम्हें विटामिन डी मिल सकता है, और कहां से मिल सकता है, तो पल्सेस, ठीक है, दालें जो होती हैं, दालों से हमें क्या मिलता है विटामिन डी मिलता है, ठीक है, एक्शन, ठीक है, एक्शन जो उसका सेल होता है किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसका शेल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और हमें चाहिए क्या, कैल्शियम ही तो चाहिए, और कैल्शियम मतलब विटामिन डी ही तो चाहिए, तो ये सारी चीजें आपसे सोर्स पूछ ले तो आपको याद रखनी है, किसके बारे में, विटामिन डी के बारे में। एक बच्चे ने क्या कहा है, एक बच्चे ने कहा है कि विटामिन डी और कहां से मिल सकता है, सनलाइट से, एक बच्चे ने कहा है सनलाइट से भी क्या मिल सकता है, विटामिन डी मिल सकता है, बच्चे सनलाइट से विटामिन डी जो मिलता है वो इनडायरेक्टली मिलता है, ठीक है, वो इनडायरेक्ट फॉर्म में मिलता है, वो डायरेक्ट नहीं मिलता, क्या होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो आपकी स्किन है, जो आपकी त्वचा है,
वो क्या करती है, वो ज्यादा प्रोडक्शन करती है, ठीक है, वो ज्यादा प्रोडक्शन करती है किसका, विटामिन डी का, वो विटामिन डी का ज्यादा प्रोडक्शन करती है। तो कह सकते हैं कि ये क्या है, ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है, ठीक है। डायरेक्ट ये नहीं कि तुम गए सन की जो है रोशनी में बैठ के आने दे विटामिन डी, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो आपकी स्किन होती है वो ज्यादा मात्रा में विटामिन डी का प्रोडक्शन करती है। आई बात समझ में, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए आगे। चल, अब अगर मैं बात करूं बच्चे, जो ये विटामिन डी है, ठीक है, जो आपका ये विटामिन डी है, विटामिन डी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, जो आपका विटामिन डी है ये दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है क्या, D2, और एक होता है आपका D3। और एग्जाम में आपसे इसी D2 के बारे में पूछा गया था, ठीक है। और ये D2 और D3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके विटामिन डी से, क्योंकि वो इनके टाइप से ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसने D2 का क्या पूछा था, केमिकल नेम पूछा था, है ना, और आपको क्या बताना था, इर्गो कैल्सी फेरॉल, ठीक है, फेरॉल। और यहां पे आपको D3 का क्या बताना था, कोले, ठीक है, कोले कैल्सी फेरॉल। तो अगर पूछे D3 का तो आपको बताना है कोले कैल्सिफेरॉल, और पूछे D2 का आपको केमिकल नेम तो आपको बताना है क्या, इर्गो कैल्सिफेरॉल। अच्छा बच्चे, क्या करते हैं ये दोनों, तो ये दोनों आपकी जो बोन्स हैं, जो आपकी हड्डियां हैं, उनको क्या करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है, उनको मजबूती देते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ यानी मजबूती देने का काम करते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है विटामिन डी के बारे में। कई बार बच्चों पूछ लेता है कि हॉर्मोनल, ठीक है, क्या पूछता है, हॉर्मोनल विटामिन किसे कहते हैं, हॉर्मोनल विटामिन किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना किसे कहते हैं, विटामिन डी को ही, क्या कहते हैं हम, विटामिन डी को ही हम हॉर्मोनल विटामिन कहते हैं। अब तुम पूछोगे कि मैम इसे ही हम जो है इसे ही हम हार्मोनल विटामिन क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी जो है एक हार्मोन के साथ मिलके काम करता है, जिसे हम PTH कहते हैं, थायराइड, या आप कह सकते हैं थायोक्साइड, पैराथायोक्साइड हार्मोन, इसके साथ मिलके आपका विटामिन डी काम करता है। इसलिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस विटामिन को हम क्या कहते हैं, हॉर्मोनल विटामिन कहते हैं। तो इस बात का भी आपको आंसर याद रखना है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, आज जो है आपकी जो हड्डियां होती हैं उनको मजबूती देता है, सही कह रहे बच्चे, यहां तक ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, DD यानी डेफिशिएंसी डिसीज, अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या क्या बीमारियां होंगी, बताएगा कोई? अगर आपके जो हड्डियां हैं उसमें विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी? फर्स्ट लिखेंगे रिकेट्स, ठीक है, क्या हो जाएगा आपको नहीं होगा, रिकेट्स हो जाएगा। क्या होता है, जो 5 से 6 साल के बच्चे होते हैं, जब उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन डी की उनमें कमी हो जाती है, तो क्या होता है, जब वो उनको उठाओ या बैठाओ तो उनकी हड्डियों से आवाज आता है, ठीक है, ये बच्चों में होता है। तो जब बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो क्या होता है, रिकेट्स होता है, ठीक है, क्या होगा, रिकेट, हिंदी में भी इसे रिकेट्स कहेंगे, क्या हो जाएगा उनको, रिकेट्स हो जाएगा। अच्छा, जब किसी अडल्ट में विटामिन डी की कमी हो जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे, ऑस्टोमेलिसिया, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, ऑस्टोमेलिसिया। ये कब, जब बच्चों में होगा, चाइल्ड, ठीक है, और ये कब, जब अडल्ट में होगा। तो ये सब क्या कहते हैं भाई, हिंदी मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है किसके बारे में, ये चीज आपको याद रखनी है आपके विटामिन डी के बारे में, ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, अब जो बच्चे जा रहे हैं एग्जाम देने, याद रखेंगे जितने भी विटामिन है सबके बारे में पढ़ के जाना है। ये शायद 12 को पूछा गया था, और जो 13 को आपको हुआ है आपका पेपर, उसमें क्या पूछा था, उसमें पूछा था नाइट नाइट ब्लाइंड ब्लाइंडनेस किस विटामिन की, कमी से होता है। चलो भाई आंसर दो, सारे बच्चे आंसर देंगे, आपका
के आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएसआई में अभी एक दो दिन में आया है, कमी से होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइट ब्लाइंडनेस किस कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, है ना, रतौंधी। चलो भाई इसका आंसर करेंगे सारे बच्चे, मुझे देखो देखना चाहूंगी मैं सबका आंसर। हाँ जो है ऑस्टोमलेशिया भी होता है और ऑस्टोपोरिसिस भी होता है, ठीक है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो ऑस्टोपोरिसिस भी होता है, सही कहा एक बच्चे ने, ऑस्टोपोरिसिस भी होता है। उसमें क्या होता है, उसमें जो आपकी हड्डियां होती है उसमें पोर्स हो जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं, और किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। इसका आंसर करेंगे, हाँ मुझे पता था ये तुम्हें रटा होगा, मुझे पता था इसका आंसर जो है आपको रटा होगा, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि कई क्वेश्चन बहुत इजी पूछे गए हैं। तो अगर मैं इसके बात करूं कि इस किसकी कमी से होगा, किसकी कमी से होता है, तो आप कहेंगे विटामिन, फिर से वही पेन आ गया, हाँ आप कहेंगे विटामिन ए की कमी से, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं होता कि तुम रात में जो है जब कोई चीज विजुअल नहीं हो, ठीक है, क्लियर नहीं हो, तो उसे हम क्या कहते हैं कि इसे क्या हुआ है, इसे रतौंधी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रात के 12 बजे कमरे की साइड सारी लाइट बंद कर दो और कह दो भाई हमें तो जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, इसका मतलब ये नहीं होता। जैसे 6-6:30-7 बजे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, लाइट भी रहती है और थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, तो जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनको क्या होता है, चीजें दिखना बंद हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, हाँ रेटिनॉल होता है, बिल्कुल सही बता रहे बच्चे। अगर इसका केमिकल नेम पूछा जाए तो क्या बताएंगे, रेटिनॉल, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल। क्यों होता है इसका केमिकल नेम रेटिनॉल, देखो भाई देखो क्या देखोगे, ये क्या है, रेट, ठीक है, और रेट का मतलब होता है रेटिना, ठीक है, रेटिना, और रेटिना कहाँ है, आपके आंखों में, ठीक है, जहां पे क्या बनता है, जहां पे कोई चीज आप दिखते हैं देखते हैं तो उसकी इमेज बनती है, कहाँ पे, रेटिना पे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेटिना पे जो इमेज बनती है वो कितनी देर के लिए बनती है, तो आपको कहना 1/16 सेकेंड के लिए बनती है, ठीक है, कितनी देर के लिए बनती है, 16 सेकेंड के लिए बनती है। और जो आप आवाज सुनते हैं वो कानों पे कितनी देर तक बनी रहती है, तो आपको कहना 1/10 सेकेंड पे। तो ये तो हो गई फिजिक्स की बात। अच्छा भाई ये क्या है, रेटिना, है ना। रेटिना कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है भाई, हाथ में पाया जाता है, पैर में, बताओ कहाँ पाया जाएगा रेटिना, कहाँ पाया जाएगा। हाँ बिल्कुल 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 सही बता रहे हैं सौरभ, सारे बच्चे बताए, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, कहाँ पाया जाएगा, आई में पाया जाएगा, आंखों में पाया जाएगा, ठीक है, आंखों में। तो इसका मतलब है कि भाई कोई चीज अगर कोई ऐसा कुछ आ जाए कि जहां आंखों की चर्चा कर रहा है और वहां विटामिन के बारे में पूछ रहा है, तो हम किसके साथ जाएंगे, हम विटामिन ए के साथ जाएंगे। सोर्स क्या होता है भाई, सोर्स बताएंगे, हैं, सबसे पहला होता है कैरेट, है ना, गाजर, और क्या होता है, एक बच्चे ने बताया है गाजर होता है, और क्या होता है भाई, चुकंदर, क्या कहते हैं इसे, बीट रूट, है ना, बीट रूट। चुकंदर में भी क्या पाया जाता है आपका, चुकंदर में भी आपका विटामिन ए पाया जाता है। देखो फिश ऑयल तो हर कई सारे जो है फिश ऑयल में, ठीक है, जो मछली का तेल होता है उसमें तो कई सारे विटामिन पाए जाते हैं, और कहाँ पाया जाएगा, और कहाँ पाया जाएगा, और भाई ये जो जो लोग मीट खाते हैं, है ना, जो लोग क्या खाते हैं, जो लोग मांस खाते हैं, तो उसमें भी क्या पाया जाता है आपका, विटामिन ए पाया जाता है। और कहाँ पाया जाएगा, ग्रीन वेज, ठीक है, जो हरी सब्जियां खाते हैं, है ना, इसीलिए कहते हैं हरी सब्जियां खाना चाहिए भाई। क्या मिलता है हरी सब्जियों से, जैसे पालक हो गया, ठीक है, पालक हो गया, और फिर बहुत सारी हरी सब्जियां होती है, ठीक है, घिया भी खा लिया करो तुम, है ना, टिंडा भी खा लिया करो, है ना, नाम सुन के अजीब सा लगता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, उसमें भी आपका विटामिन ए पाया जाता है, बिल्कुल। हाँ चुकंदर को हम क्या कहते हैं, बीट रूट कहते हैं, सही बता रहे बच्चे, है ना। चलो भाई यहाँ देखो, तो तुम्हारी चीजें, तुम्हें चीजों की बिल्कुल जो है जानकारी है, मैं मान लेती हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, है ना, कि है किसी को कोई दिक्कत, वो मुझसे बता सकता है अगर उसे कोई दिक्कत है। तो भाई अब इसकी कमी से क्या होगा, तो इसकी कमी से आपको क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा, है ना। और भी तो जो जैसे आपकी आंखें सूख जाती हैं, आंखों में ड्राइनेस हो जाता है, तो वो भी किसकी कमी से होता है,
वो भी किसकी कमी से होता है? वो भी कमी से होता है किसकी? आप कहेंगे विटामिन ए। मतलब आंखों में जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो किसकी कमी से होगी? वो आपके जो है विटामिन ए की कमी से होगी। यहां तक क्लियर है मामला, है ना? हाँ बिल्कुल। कहीं तो भेज भी रहे। हाँ ठीक है भाई, यहां तक तुम्हारा मामला तो मुझे ठीक ठाक सा दिख रहा है। यहां तक किसी बच्चे को मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि दिक्कत है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि इनमें से कौन सी एक नॉन मेटल है? ठीक है, नॉन मेटल है, अधातु है, अधातु है। अच्छा ये बताओ मुझे, ठीक है, अब एक बात बताएंगे, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था, याद आ रहा पढ़ाया था किसी जमाने में? क्या वो भी भूल गए? तुम भूल जाते हो सारी बातें। इस तरीके से हमारी पीरियोडिक टेबल बन रही थी, कुछ इस तरीके से हमारी पीरियोडिक टेबल बन रही थी। ये अपना क्या था? ये अपना था एस ब्लॉक, है ना? ये अपना क्या था? एस ब्लॉक था। ये क्या था? ये क्या था? ये बच्चा पी ब्लॉक था, पी ब्लॉक था। ये क्या था? ये डी ब्लॉक था। और नीचे हमने एक एफ ब्लॉक लगा रखा था, है ना? एफ ब्लॉक लगा रखा था। तो मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जिगजैग लाइन बन रही है, और ये जिगजैग लाइन क्या कर रही थी? जिगजैग लाइन जो यहाँ पे बन रही थी, ये जिगजैग लाइन क्या कर रही थी? ये मेटलॉइड को शो कर रही थी, है ना? उपधातु के बारे में बता रही थी। किसके बारे में? उपधातु के बारे में बता रही थी। और मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बच्चे क्या बताया था? मैंने बताया था कि इसके इधर जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी तत्व पाए जाएंगे, सारे के सारे ऑलमोस्ट क्या हैं? मेटल्स हैं। और इसके इधर जो पाए जाएंगे, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, है ना, नाइट्रोजन हो गया, ये सब आपकी क्या हो जाएंगी? जो इस साइड पाई जाएंगी, ये सारी इस जिगजैग लाइन के इधर सारी क्या है? नॉन मेटल्स है। तो मैंने कहा था आपसे कि भाई पीरियोडिक टेबल भी ढंग से देख के जाना। तो जिन बच्चों ने देखा था उन्होंने तो मिनटों में क्वेश्चन कर दिया कि हाँ जी, इसमें से कौन सी मेटल है और इसमें से कौन सी नॉन मेटल है। ये सारी बातें मैंने डिस्कस की थी, इसलिए मैं कहती हूँ क्लास में ध्यान दिया करो, और जो है ज्यादा ये टाइम पास मत करो कि मैम हमारा नाम ले लो तो ऐसा तो वैसा। अच्छा एक क्वेश्चन उसने पूछा था, और अभी मैंने 2-3 दिन पहले जो प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें वो क्वेश्चन था। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने उसमें डाला था, और एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछा था कि जो ह्यूमन है, ठीक है, जो मनुष्य है, उसने सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले किस मेटल का उपयोग किया? सबसे पहले किस मेटल का उपयोग किया? बताओ भाई, है कोई कुछ क्वेश्चन में? कितनी बार बताया था आपको? कितनी बार बताया था? कौन सा था? कॉपर, सीयू, क्या कह रहे थे? तांबा। बताया था या नहीं बताया था? बताओ, बताया था ना? मैंने कहा था कि आपके पास कुछ हिस्टोरिकल मेटल है, आपके पास कुछ ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मेटल्स हैं, कुछ ऐतिहासिक धातुएं हैं। कैसी हैं? ऐतिहासिक। क्या है? ऐतिहासिक धातुएं हैं, जो हमारे बुजुर्ग जैसे राजा महाराजा जो यूज करते थे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हिस्टोरिकल मेटल्स कहते हैं। तो मैंने बताया था क्या क्या यूज करते थे, क्या क्या यूज करते थे। मैंने बताया था एजी अर्जेंटिनम यानी सिल्वर, मैंने बताया था एयू ओरम यानी गोल्ड, मैंने क्या आपको बताया था? सीयू यानी कॉपर, मैंने बताया था एसएम यानी टिन, और मैंने आपको बताया था लोहा आयरन। ये सारी बातें मैंने बताई थी, ये सारी क्या है? हिस्टोरिकल मेटल्स हैं। बताई थी या नहीं बताई थी? मैंने कहा था जो आपका क्या है, एजी है, ये कैसी है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जो है, एजी क्या होती है? सिल्वर क्या होती है? जब ये सल्फर से, ठीक है, सल्फर से रिएक्ट करती है तो ये क्या करती है? ये काली पड़ जाती है। इसीलिए जो चांदी होती है वो काली पड़ जाती है। कब? जब एयर में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है तो ये क्या बना लेती है? Ag2F बना लेती है। और ये किस कलर का होता है? ये ब्लैक कलर का होता है। ये सारी बातें मैंने बताई थी आपको सिल्वर के बारे में। गोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो गोल्ड है ये क्या है? ये एक नोबल मेटल है। नोबल मेटल का मतलब होता है कि जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करे, जैसे आप नोबल गैस के बारे में जानते हैं वैसे ही आपको क्या होती है? नोबेल मेटल होती है। और आप उससे भी क्वेश्चन बना था, जो मैंने आपको लाइम, ठीक है, आपको क्या पढ़ाया था? क्विक लाइम पढ़ाया था, है ना, स्लैग लाइम पढ़ाया था, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। तो बच्चों आज के लिए जो सेशन है, ठीक है, वो
क्या रहेगा? अब कोई जो है दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, है ना? कोई यहाँ पे दिक्कत परेशानी है? ओवरऑल रिव्यू मैंने आपको दे दिया है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, सौरभ कह रहे हैं कि अगर भाई हम गोल्ड को जो है पूछा जाए कि गोल्ड किसमें सोल्यूबल है तो आप क्या कहेंगे, किसमें घुलनशील है? एक्वा रेगिया में, ठीक है? एक्वा रेगिया में अगर आप क्या करते हैं, अगर आप गोल्ड को क्या करते हैं सोल्यूबल होता है एक्वा रेगिया में, ठीक है? ये सारी बातें हमने क्या की थी, डिस्कस की थी। क्या होता है, HCl और HNO3 को मिला के हम क्या करते हैं आपका यहाँ पे एक्वा रेगिया बनाते हैं, 3% उसमें HCl डालते हैं। ये सारी बातें डिस्कस की थी। है किसी को कोई दिक्कत? थैंक यू भाई, थैंक यू। एक बार फिर से शेयर करेंगे सेशन को, है ना? चलो भाई और एक बार शेयर करोगे, और क्या चीजें हम जान सकते हैं? अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और याद आ गया, एक क्वेश्चन और बच्चे ने बताया था। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जिंक ऑक्साइड, ठीक है? इसको पूछा गया था कि ये कैसा है, इसको हम क्या कहते हैं, जिंक ऑक्साइड के बारे में पूछा गया था, इसे हम क्या कहते हैं? बताओ भाई, जिंक ऑक्साइड के बारे में बताएंगे। O3, ओजोन, ठीक है? ओजोन, हाँ ओजोन के बारे में याद रखेंगे। क्वेश्चन था कि ओजोन जो है वो किस लेयर में होता है, तो आपको बताया था वो किस में होता है, समताप मंडल में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी ओजोन पाई जाती है ना? जो आपके वायुमंडल का समताप मंडल होता है उसमें आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। संजय कुमार जो है 2 PM to 3 PM आज क्लास थी, लेकिन मंडे जो है आपकी क्लास 3 PM ही चलेगी, वो आपको जो है थंबनेल बन जाएगा, है ना? जिस तरीके से टाइम होगा आपको बता दिया जाएगा, पहले ही यूट्यूब पे आ जाता है कितने बजे से क्लास है। हाँ ये क्या है, ये जो है क्या है, एम्फोटेरिक है। क्या है? एम्फोटेरिक, ठीक है? एक बच्चे ने बताया उभयधर्मी जिसे कहेंगे। क्या है? उभयधर्मी है। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, उभयधर्मी का मतलब होता है क्या होता है, मतलब कि जो क्या करे, एसिडिक मीडियम में, जो एसिडिक मीडियम में एसिड की तरह और बेसिक मीडियम में बेसिक की तरह काम करे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है? जो एसिडिक मीडियम में एसिड और बेसिक मीडियम में बेसिक की तरह काम करे उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक। और जो है जिंक ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है, जस्ते का फूल, है ना? जस्ते का फूल। तो क्वेश्चन आया था कि जस्ते का फूल किसे कहते हैं, तो आपको आंसर देना था जिंक ऑक्साइड को, ठीक है? पढ़ा देंगे 1 आवर का, 2 आवर पढ़ा देंगे, लेकिन सारे बच्चे शेयर करते रहेंगे, है ना? 2 आवर भी पढ़ा देंगे, आपकी क्लास चला देंगे, लेकिन तुम शेयर करते रहो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम शेयर नहीं करोगे फिर आ जाएगी थोड़ी सी दिक्कत, ठीक? चलो अब जिंक के बारे में अगर आपको पढ़ना है थोड़ा सा, तो जिंक के बारे में देख लेते हैं, है ना? अगर आपको जिंक के बारे में पढ़ना है तो जिंक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जिंक, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, Zn से। क्या एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है Zn का, तो आपको पता है कितना होता है, 30 होता है। किस ग्रुप में पाया जाता है, तो बच्चों को पता है 12 नंबर के ग्रुप में पाया जाता है। किस ब्लॉक में पाया जाता है, सब पीरियोडिक टेबल में करवा रखा है, किस ब्लॉक में पाया जाएगा, तो आप कहेंगे डी ब्लॉक में, है ना? इतनी बातें आपको किससे पता होनी चाहिए, जिंक से पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था, ये सारी चीजें मैंने आपको कब बताई थी, ये सारी चीजें मैंने आपको जब मैंने क्या कराया था, जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल कराया था तभी मैंने बता दिया था। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, अब देखो जो जिंक होता है क्या करता है, ये लोहे को रस्टिंग से बचाता है। जैसे लोहा है, ठीक है, आपका आयरन है, अगर आपने क्या किया है, देखो जैसे आपका लोहा है, ठीक है, आपका आयरन है, आपने क्या किया लोहे को, अगर आपने लोहे को ह्यूमिड एयर के साथ, ठीक है, ह्यूमिड एयर यानी नम हवा के साथ क्या किया, नम हवा के साथ रख दिया, ठीक है, नम हवा के साथ रख दिया, और इस पे क्या डाल दिया, इस पे नॉर्मल वाटर डाल दिया। नॉर्मल वाटर में क्यों लिख रही हूँ अभी मैं ये भी बताऊंगी, साधारण पानी डाल दिया। अगर इस पे आपने क्या डाल दिया,
साधारण पानी डाल दिया तो इस पे क्या हो जाता है? आप सब जानते बच्चे, अगर लोहे को आपने ऐसे फ्री छोड़ दिया तो इस पे क्या हो जाता है? इस पे रस्टिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है। तो जिंक क्या करता है? जो आपका जिंक होता है, जिंक का काम क्या है? जिंक जो है आपका, ये क्या करता है? ये इस जो है रस्टिंग, रस्टिंग लगने से बचाता है। कैसे बचाता है? देखो जिंक क्या होता है, जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे? आपके आयरन से, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आयरन है, इसके ऊपर क्या कर देते हैं हम? इसके ऊपर हम जो है कोटिंग कर देते हैं, किसकी कर देते हैं? जिंक की कर देते हैं। इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? इसके ऊपर हमने जिंक लगा दिया। अब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, लगा दिया जिंक, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो जब इससे ऑक्सीजन या कुछ भी इससे रिएक्ट करने आएगी लोहे से, तो जिंक कहेगा भाई पहले मैं हूं, पहले मेरे रिएक्शन करो, क्योंकि मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं। तो जिंक क्या करेगा? जिंक पहले रिएक्शन कर देगा और आयरन आपका वहीं पे सेफ पड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो और इस क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। चलो भाई, तो आज की क्लास में इतना ही रखना चाहेंगे, है ना। ये आपका ओवरऑल रिव्यू था किसके बारे में? यूपीएसआई एग्जाम के बारे में। बच्चे देखो, जो भी मैंने कहा है, मैंने यही कहा, पेपर बिल्कुल इजी भी नहीं आया था, ठीक है। हाँ, हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा जो आपका यूपीएसआई का एग्जाम है वो इजी आया है, जो बच्चों ने रिव्यू दिया है, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, ठीक है, और आपको पता है हर एग्जाम में दो चार क्वेश्चन तो इजी पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ठीक भी पूछे गए थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं।